अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर गुड एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स, एज वेल एज यू नो, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस में हम लोगों ने जो है वो एक यूनिट स्टार्ट किया था, उसकी हमने रीडिंग स्टार्ट की थी. हाफ चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो गया था, आज हम उसका सेकेंड हाफ कम्प्लीट करेंगे और उसके साथ हमारी रीडिंग कम्प्लीट होगी. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट की रीडिंग कर रहे थे, यूनिट नंबर 4, द कैरियू मर्डर केस. कैरियू का जो है वो कत्ल का केस, इसके बारे में हम जो है वो रीडिंग कर रहे थे. बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है. देखते हैं हम के हमें जो है पुलिस को जो है वो मर्डर मिलता है या नहीं मिलता, जिसने कत्ल किया उसको वो मिलता है कि नहीं मिलता. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग की तरफ. तो स्टूडेंट, लेसन स्टार्ट करने से पहले आज की डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपना लेसन स्टार्ट करेंगे. आज है हमारे पास 18 मई 2021 और डे है ट्यूसडे. चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. इट वाज बाय दिस टाइम अबाउट इन द मॉर्निंग एंड द स्ट्रीट फोग ऑफ द सीजन हंग इन द स्ट्रीट. ये इस पर सुबह के 9 बज चुके थे और मौसम की पहली धुंध गलियों पर तारी थी. द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क ड्रेरी स्ट्रीट्स एंड मिस्टर अटरसन फेल्ट ग्लूमी. डार्क जो है अंधेरी और ड्रेरी उदास या सुनसान या होलनाक. द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क ड्रेरी स्ट्रीट्स. घोड़ा घारी या गाड़ी तरीक और सुनसान गलियों में से आहिस्ता आहिस्ता चलती गई एंड मिस्टर अटरसन फेल्ट ग्लूमी और मिस्टर अटरसन पर अफसुदगी छाई रही. As the cab drew up before the address indicated, the fog lifted and showed him a dingy street, a grubby eating house, a few shops selling cheap goods, many ragged children huddled in the doorways, and many people of different nationalities passing by. And the next moment, the fog settled down again upon the part as brown as amber and cut him off from his slowly surroundings. As the cab drew up before the address indicated, गाड़ी बताए गए पते के सामने रुकी. The fog lifted a little and showed him a dingy street. तो धुंध थोड़ी हट गई और एक गंदी सी गली नजर आई. डिंगी गंदी. अ ग्रबी ईटिंग हाउस, एक मैला कुचैला सा ढाबा. अ फ्यू शॉप सेलिंग चीप गुड्स, सस्ती चीज़ें बेचने वाली चंद दुकानें. मैनी रैग चिल्ड्रन, रैग गंदे बंदे. हडल्ड इन द डोरवेज, डोरवेज घुसे हुए, इनके दरवाजों में घुसे हुए. बहुत से गंदे मंदे बच्चे दरवाज़ों में दुबके हुए या दरवाज़ों में घुसे हुए. एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ पासिंग बाय, और बहुत सी कौमियतों के कई लोग पास से गुजरते हुए. एंड द नेक्स्ट मोमेंट द फोग सेटल डाउन अगेन अपॉन द पार्ट, और अगले ही लम्हे धुंध फिर इसे पर उतर आई. एज ब्राउन एज अम्बर, अम्बर की तरह भूरी, भूरी यानी कि ब्राउन. And cut him off from his lowly surroundings. और इस घटिया गिरदोपेश से इसका ताल्लुक ख़त्म कर दिया. यानी क्यों कह रहे हैं, गाड़ी जो है वो बताया कि पते के सामने रुकी तो धुंध जो है वो थोड़ी सी हट गई, और एक गंदी सी गली, एक मैला कुचैला सा ढाबा, सस्ती चीज़ें बेचने वाली दुकानें, बहुत से गंदे मंदे बच्चे दरवाज़ों में घुसे हुए, मुख्तलिफ कौमियतों के कई लोग पास से गुजरते हुए इनकी निगाहों के सामने आ गए. और अगले ही लम्हे धुंध इस हिस्से पर उतर आई, अंबर की तरह भूरी और घटिया गिरदोपेश से इसका ताल्लुक जो है वो ख़त्म कर दिया. दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स, फेवरेट ऑफ अ मैन हु वॉज हियर टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टर्लिंग. ये हेनरी जैकल का पसंदीदा का घर था, एक आदमी का जो 2.5 लाख स्टर्लिंग का वारिस था. स्टर्लिंग पहले पढ़ा था कि हमने करेंसी है. An ivory-faced and silvery-haired old woman opened the door. हाथी के दांत जैसी जैसे चेहरे और चांदी जैसे बालों वाली एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला. She had an evil face, smooth by hypocrisy, hypocrisy मकार. But her manners were excellent. She had an evil face.
उसका चेहरा शैतानी, स्मूथिड बाय हिपोक्रेसी, मुनाफ़त से मुलायम किया हुआ था, बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसके अतवार नहायत उम्दा थे. येस शी हैड, दिस वॉज मिस्टर हाइट्स, बट ही वॉज नॉट एट होम. हाँ, इसने कहा ये मिस्टर हाइट का घर था लेकिन वो घर पर नहीं था. ही हैड बीन इन डैट वेरी लेट बट हैड गोन अवे अगेन इन लेस देन एन आवर. देर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन डैट. He had been in the night very late. वो रात बहुत देर से घर आया था, but he had gone away again in less than an hour. लेकिन एक घंटे से भी कम वक्त में वो वापस में फिर चला गया था. There was nothing strange in that. उसमें कोई अजीब बात नहीं थी. These habits were very irregular. ये उसकी आदत जो है वो बड़ी गैर मुनज़म थी. And he was often absent. For instance, it was nearly 2 months since he had seen him till yesterday. And he was often absent. और वो अक्सर गैर हाजिर रहता था. It was nearly 2 months since she had seen him till yesterday. कल मिसाल के तौर पर कल से पहले इसे देखे हुए तकरीबन 2 माह गुजर गए थे. Very well, बहुत अच्छे. Then we wish to see his rooms, said the lawyer. वकील ने कहा कि बहुत अच्छे, लेकिन मैं जो हैं इसके कमरे देखना चाहते हैं. एंड व्हेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर इट वाज इम्पॉसिबल, और औरत ने जो है वो फौरन जवाब दिया, यानी औरत ने फौरन ऐलान करना चाहा कि ऐसा नामुमकिन है. आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन इज़. बेहतर होगा तो मैं बता दूँ कि ये शख्स कौन है. ही एडिड, उसने मज़ीद इजाफा किया, दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यूकमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. ये स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर न्यूकमन है. ये वकील जो है वो उस औरत को बता रहा जब उसने चेकिंग करने से मना किया. अ फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय अपीयर्ड द वुमेन्स फेस. आह, सेड शी, He is in trouble. What has that he done? A flash of odious joy appeared upon the woman's face. एक नहायत ही ना खुशगवार खुशी जो है वो औरत के चेहरे पर दिखाई दी. आह, said she. आह, उसने कहा, he is in trouble. वो मुसीबत में है. क्या वो मुसीबत, he is in trouble, वो मुसीबत में है. What has he done? उसने क्या किया है. मिस्टर अटरसन एंड इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस. मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर ने जो है वो निगाहों का तबादला किया. ही डज नॉट सीम अ वेरी पॉपुलर करेक्टर, वो ज़्यादा मकबूल आदमी मालूम नहीं होता. ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने तबसरा किया. एंड नाउ जस्ट लेट अस इन, और अब हमें अंदर जाने दो. इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस विच But for the old woman remained otherwise empty. Mr. Hyde had only used a couple of rooms, but these were furnished with luxury and good taste. In the whole extent of the house, पूरे घर के तूलो अर्ज में, which but for the old woman, जो remained otherwise empty, जो बुढ़िया के अलावा बिल्कुल खाली था. Mr. Hyde had only used a couple of rooms. Mr. Hyde ने सिर्फ 2 कमरे इस्तेमाल किए थे. But these were furnished and with luxury and good taste. ये दोनों जो हैं पुर आसाइश और उम्दा ज़ोक के साथ आरास्ता किए गए थे. यानी कि जो 2 कमरे इस्तेमाल किए थे मिस्टर हाइट जो इस्तेमाल करता था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फर्निश थे. उसमें अच्छा सामान लगा हुआ था, बहुत ही ज़ोक से जो है उनको सजाया गया था. A cupboard was filled with food and drinks. जो अलमारी खुर्दनी शार मशरूबात से भरी हुई थी, या खाने और मशरूबात से भरी हुई थी. द टेबल वाज सेट विद सिल्वर कटलरी एंड फाइन चाइना आर्टवर्क हंग अपॉन द वॉल्स. अ गिफ्ट एज अटरसन स्पोज्ड फ्रॉम हेनरी जैकल हु वाज मच ऑफ कोनोयर एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग. द टेबल वाज सेट विद सिल्वर कटलरी एंड फाइन चाइना आर्टवर्क हंग अपॉन द वॉल्स. मेज़ पर चांदी के बर्तन और उम्दा चीनी के बर्तन लगाए गए थे. दीवारों पर जो है वो बेहतरीन जो है आर्ट या पेंटिंग जो है वो लटकाई गई थी. आर्टवर्क यानी कि जो फ़न
फन पारे जिसको कह सकते हैं लटकाए गए थे। अ गिफ्ट एज अटरसन स्पोज फ्रॉम हेनरी जैकल हु वाज मच ऑफ कोनोयर एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। जैसा कि मिस्टर अटरसन ने फर्ज किया कि हेनरी जैकल की तरफ से, जो खुद एक कदरदान आदमी था और कलीन और द बीज बहुत महंगे मालूम होते थे। एट दिस मोमेंट मच हाउएवर द रूम्स बोर एवरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली एंड हरिडली ransacked, clothes lay about the floor with their pockets inside out, drawers stood open, and on the hearth there lay a pile of grey ashes as though many papers had been burned. ये उसके कमरे का हुलिया, बताने लगे उसके कमरे का हुलिया कैसा था उस टाइम पर। एट दिस मोमेंट ताहम उस वक्त एट दिस मोमेंट हो एवर ताहम उस वक्त द रूम बोर वेरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली एंड हरडली ransacked। कमरों में ये पता देने का हर निशान मौजूद था कि इन्हें हाल ही में और उजलत के आलम में उलट पुलट किया गया है। क्लोथ्स ले अबाउट द फ्लोर विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट, कपड़े उल्टाई हुई जेबों के साथ कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। ड्रॉअर्स स्टूड ओपन, दराज खुले हुए थे या दराजें खुली पड़ी थीं। एंड ऑन द हर्थ देयर ले अ पाइल ऑफ ग्रे एशेस, और आतिशदान में खाकस्तरी राख का एक ढेर पड़ा था। एज दो मैनी पेपर हैड बीन बर्न, जैसे बहुत से कागजात जला दिए गए थे। अब उसके कमरे का हुलिया कैसा था कि वहाँ पे हर चीज़ उलट पुलट पड़ी हुई थी, दराज खुली पड़े थे, कपड़े जो है वो उल्टाई हुई यानी कि जेबों को टटोलने के बाद फेंके गए थे। इसके अलावा जो है वो आतिशदान में भी कागजों का एक ढेर पड़ा हुआ था जिसे बहुत सारे कागज जलाए गए हों। फ्रॉम दीज एम्बर्स द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड द स्टब ऑफ ग्रीन चेकबुक विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ द fired, the other half of the stick was found behind the door, and this clinched his suspicions. The officer declared himself delighted. From these embers, the inspector disinterred the stub of a green checkbook. In अंगारों में से इंस्पेक्टर ने एक सबज चेकबुक का टुकड़ा खोद निकाला, which had resisted the action of the fire, जिसने आग की कार्रवाई का मुकाबला किया था। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, छड़ी का दूसरा टुकड़ा दरवाजे के पीछे से मिला। एंड एज इट दिस क्लिंच हिज सस्पिशियंस द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, और चूंकि इससे इसके शहबात की तस्दीक हो गई थी लिहाजा इंस्पेक्टर ने ऐलान किया कि वो बहुत खुश है। अ विजिट टू द बैंक, बैंक के एक दौरे ने, वेयर सिवरल थाउजेंड पाउंड्स वर फाउंड टू बी लेइंग टू द मर्डर्स क्रेडिट, कंप्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन। बैंक के एक दौरे ने जहां कातिल के नाम पर कई हजार पाउंड मौजूद पाए गए, इसके खुशी की तकमील कर दी। यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, ही टोल्ड मिस्टर अटरसन, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं जनाब, इसने मिस्टर अटरसन को बताया। आई हैव हिम इन माई हैंड, वो मेरे हाथ में है। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक और अबव ऑल बर्न द चेक बुक। वो पागल हो गया होगा वरना वो कभी छड़ी छोड़कर ना जाता या सबसे बढ़कर चेक बुक ना जलाता। ही विल नीड मनी टू लिव, उसे गुजर से करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम एट द बैंक, उस हमें कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि बैंक में उसका इंतज़ार करें। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स, और मतलूब है कि इश्तहारात निकलवाएं। दिस हाउएवर वाज नॉट सो इजी टू अकॉम्प्लिश, फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइड, इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस। दिस हाउएवर वाज नॉट इजी टू अकॉम्प्लिश, तहम ऐसा करना आसान ना था क्योंकि
फोर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइड. मिस्टर हाइड को थोड़े ही लोग जानते थे. इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस. यहाँ तक कि खादमा के मालिक ने भी इसे सिर्फ दो मरतबा देखा था. हिज फैमिली कुड नो वेयर बी ट्रेस्ड. उसके ख़ानदान का कहीं खोज ना लगाया जा सका. ही हैड नेवर बीन फोटोग्राफ्ड एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर्ड वाइडली एज कॉमन ऑब्जर्वर्स विल. इसने कभी तस्वीर ना उतारी गई थी तो और चंद लोग इसका हुलिया बयान कर सकते थे. इनके बयान में बहुत फ़र्क था, यानी कि उसका कोई भी हुलिया इनको दुरुस्त पता नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने इनको देखा था वो बहुत कम देखा था, उसकी कोई तस्वीर भी उनके पास नहीं थी. ओनली ऑन वन पॉइंट वर दे एग्रीड एंड दैट वॉज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजरनेस विद विच ही लेफ्ट पीपल. लेकिन सिर्फ एक नुक्ते पर इनका इत्तेफाक था, और वो ये कि अजनबियत का वो रह रह कर सताने वाला एहसास जो कि लोगों में पैदा कर जाता था. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी. काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी. एंड पे उनको पता चल गया जो है कि वो मर्डर जो है, यानी कि जो कातिल है, वो उनको कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो अपनी चेकबुक छोड़ गया, अपना जला गया, अपनी स्टिक वहाँ छोड़ गया. तो उनको कन्फर्मेशन हो गई थी कि वो मिस्टर हाइड ही है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आई होप आपको पसंद आई होगी. तो स्टूडेंट्स, आपने इसको बार बार सुनना है, समझ ना आए कुछ तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.